बुक्स लाओ ना, हिंदी की नोटबुक चाहिए हिंदी की। ये तो इंग्लिश की है, इसके नीचे मुझे पता है कल ली थी हमने। ये हिंदी की है, पर रख कवर वाली होगी ना, उसमें देखो नेक्स्ट वाले में। ये बड़ी है, ये मैथ्स की होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और मैं नहा धो के ना थोड़ा सा धूप में बैठ गई थी, थोड़ी सी ठंडी लग रही थी। और फिलहाल जो है चीज़ में कराना थोड़ा सा होमवर्क, और आ रही बेटा एक होमवर्क करवाना है उनको, उसके बाद बस बाकी का सब कर लिया हमने। और अभी कुछ खाने का मन कर रहा था बाहर धूप में बैठे, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लिया था। अभी टाइम हो गया 12:30 का, लंच का टाइम हो गया। लंच आज नहीं बनाएंगे, आज कुछ और खा लेंगे, देखेंगे मैगी पास्ता इस तरह का कुछ बना लेंगे। फिलहाल जो है अभी मिठाई खाने का मन कर रहा है, जिन्होंने मिठाई ला के दी थी हमें तो वो खाएंगे। ये वाली मिठाई जो है ये लेके आए थे जीनू, इसको डालते हैं इसमें बॉक्स में। यम्मी यम्मी चॉकलेट, मेरा फेवरेट। बचपन में ना हम ये वाला चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा खाते थे, मैं और साहिल, हम दोनों का फेवरेट था। और इस पर हम लड़ाई भी बहुत करते थे चॉकलेट खाने पर। तो इसको ले जाते हैं बाहर, थोड़ा सा बच गया, इसको बाद में खाएंगे। साथ में चाहिए हमें पानी का जग। तो अभी यहाँ पे ना मैं चीनू को करा लेती हूँ होमवर्क जल्दी से फटाफट से, उसके बाद इनको भी जाना है खेलने के लिए। और मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम करने के लिए बैठूँगी, वीडियो एडिट करके अपलोड भी करनी है, फिर टाइम लगता है उसमें। नेट 4G तो चलता है लेकिन इतना स्पीड पर नहीं है कि मतलब जल्दी जल्दी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाए, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर ना बाहर फेस थोड़ा सा नहीं दिखता है, लाइट पड़ती है बड़ी ज़्यादा, तो बस इसके बाद देखेंगे जो जो करना होगा वो आपको दिख जाएगा। तो वैसे लंच में हम क्या खाएंगे जिनू आज? राजमा चावल। राजमा हमने रात को बनाने हैं, रात को हम सोच रहे हैं आज बनाएंगे हम राजमा चावल। पनीर चावल चीज़ खाओगे? पनीर की सब्जी बनाएंगे, साथ में राजमा बनाएंगे, है ना? सब्जी नहीं। हाँ, या मटर पनीर? मटर पनीर नहीं, आलू पनीर। आलू मटर पनीर, तो वो डिसाइड कर लेंगे क्या बनाना है। और मेरे जो सूट्स हैं वो लेने जाना था आज मुझे, और चीनू ने बिल्कुल मेरा प्लान चौपट कर दिया। क्योंकि मैंने बोला था कि चीनू हम दोनों चलते हैं नानी के घर में, क्योंकि वहीं पे है शॉप साथ में ही, तो वहाँ से नानी के घर भी हो आएंगे, साथ में अपने सूट्स ले आएंगे। लेकिन चीनू को तो बिल्कुल जाना ही नहीं था, उन्होंने बोला मम्मा आप मुझे घर पर छोड़ दो, मैं घर पर रुक लूँगा लेकिन मैंने जाना नहीं है। तो बस इनकी वजह से कैंसिल कर दिया। जीनू को बोला, जीनू बोल रहे थे मैं ले आऊँगा आते हुए, तो देखते हैं आप लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं। क्योंकि एक और जो सूट था वो मेरे घर में पड़ा है, वहाँ से उनको देना था, लेकिन अब वो काम रह गया। अब देखते हैं संडे तक ही नंबर आएगा जाने का। और आज है मेरी दी का बर्थडे, जो मेरे से बड़े वाले हैं शनायु की जो मम्मा है उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दी, गॉड ब्लेस यू। और पार्टी वार्टी तो वो नहीं करेंगे क्योंकि इनकी सासू माँ की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो शायद से वो पार्टी वार्टी तो कुछ नहीं करेंगे। पार्टी क्या, वही जो आपको पता ही है सिंपल सा जो हमारा होता है वही सब लोग वही करते हैं, और कुछ नहीं। और फिलहाल काम करा लेते हैं यार, बड़ी बातें आ जाती है नहीं तो मुझे, तो काम कर लेते हैं जल्दी से।
तो अभी याना का होमवर्क वगैरह फिनिश हो गया था, तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं मम्मा के घर में। दीदी की कॉल आई थी तो वो बोल रहे थे कि आ जाओ, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, उन्होंने जाना था फिर जम्मू, तो इसके लिए हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। लोहड़ी के पहले दिन की बात है ये, तो उसके बाद नेक्स्ट डे थी लोहड़ी, और बस उनके साथ शॉपिंग करने जा रहे थे तो चले गए वहाँ पे। वहाँ से वापस आके कोई भी ब्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं किया वहाँ पे भी, क्योंकि पूरा टाइम मार्केट में ही हो गया सामान वगैरह इकट्ठा करने में ही। हेलो एवरीवन, तो कल हम लोग गए थे मम्मा के घर में, वहाँ पे हमें दीदी को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, उनको जाना था अपने ससुराल, तो वैसे उनकी जॉब यहीं पे है तो यहीं पे रहते हैं मम्मा के घर पे। तो रंग भी की थी पहली लोहड़ी, और उसके बाद दीदी को कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी उनके वहाँ पे ना, वो जम्मू वाली साइड रहते हैं, उनके वहाँ पे खूब सारी जो है सेलिब्रेशन होती है लोहड़ी के फंक्शन की। हमारे यहाँ पे इतना सेलिब्रेट नहीं करते हम, नॉर्मली जैसे सब भी करते हैं वही, जैसे हम खाने में बनाते हैं तरचोली, चावल और ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है तो सर्दियों में लोहड़ी जो है वो सेलिब्रेट होती है, तो सर्दियों में ही आती है वो जनवरी 13 को। तो उस दिन ना मतलब इस तरह का जो जैसे तरचोली है वो बनाएंगे हम, बिल्कुल मतलब उसको टेस्ट वगैरह नहीं करते, जूठा नहीं करते हैं। फिर शाम को जैसे लोहड़ी जलाते हैं, जो आग वगैरह जलाते हैं उसमें, फिर उसको जो है जिसको बोलते हैं ना अर्घ देना, वो अर्घ देते हैं, और उसके बाद जो है वो प्रसाद के रूप में सारे खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। हम तो इस बार नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है हमारे यहाँ पे डेथ हुई थी इनकी दादी माँ की, तो फिर उसके बाद हमने कोई भी फंक्शन सॉरी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया, दिवाली भी सेलिब्रेट नहीं की थी, और अब हम लोहड़ी भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हमने कुछ भी नहीं किया। बस ये है कि अब जैसे अयान वगैरह हैं, जूनी एंजल हैं, बच्चे बच्चे हैं, वो बच्चों को थोड़ा सा होता है कि नहीं हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होना चाहिए, तो उसके लिए उनको जैसे, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा लोहड़ी वाला तो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बम्बरा बना के दिखाया था। और अभी जैसे हार जो होते हैं ना वो पहनाते हैं पूरे, मतलब ड्राई फ्रूट्स लगा के, और आजकल तो फिर चेंज होता रहता है, जैसे बच्चों के लिए खाने की चीज़ें जैसे कैंडीज हो गई या चॉकलेट्स हो, कुछ भी लगा दो आप, लेकिन उसके साथ नारियल जैसे छोटा वाला नारियल जो होता है वो, और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं मूँगफली, रेवड़ी, गच्चक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लगाते हैं, ब्लू प्याज में टेस्टी होती है, मैंने लाए हैं खाने के लिए ऐसे, और साथ में लाए हैं थोड़े से तिल, तिल का हम देखेंगे क्या क्या बना सकते हैं, तिल के पराठे बनते हैं, तिल वाले आलू बनते हैं, इतने ही अम्मी लगते हैं, और साथ में लाए हैं अखरोट, अखरोट की चटनी बनाएंगे हम, और साथ में सूट दिया था दीदी ने, क्योंकि हमारे घर में सबसे पहला बर्थडे जो है वो आता है मेरे से जो बड़ी वाली दीदी है उनका, उनका आता है 7 जनवरी को, और उनका बर्थडे हो गया तो बड़ी सबसे बड़ी वाली दीदी ने उनके लिए गिफ्ट लिया, सूट तो मेरे लिए भी ले लिया, तो वो उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, उसमें थोड़ा सा ना वो था टुक था, तो उसको चेंज कराने के लिए फिर हम लोग कल गए थे फिर से, और दीदी ने एक सूट लिया था वो चेंज करवाना था, वो चेंज करवाया, फिर हम लोग आ गए वहाँ पे, ज़्यादा कुछ भी छूट नहीं किया, ब्रेड कढ़ाई बनाई थी वो खाई, दाल चावल बनाए थे वो खाए, घुमाए घर में जाके बड़ा मज़ा आता है। और कल जो लोहड़ी का नेक्स्ट डे होता है वो होता है खिचड़ी वाला डे, उस दिन हम लोग खाते हैं खिचड़ी और मूली, ये दो चीज़ें हमें ज़रूर खानी थी, खिचड़ी भी लेकिन जो माँ की दाल होती है काली वाली दाल उसकी खिचड़ी खाते हैं हम। और फिलहाल जो है मेरे कुछ सूट्स भी थे, जैसे एक ये वाला है, इसका जो नेक है ना इस तरीके से बनाया है,
मुझे ज़्यादा डीप गले पहनना पसंद नहीं है, इस तरह का नेक हूँ थोड़ा सा तो फिर अच्छा लगता है। ये आंटी ने कुछ नया ही बनाया, जिस मतलब आंटी को देती हूँ मैं सिलने के लिए, उन्होंने कुछ नया ट्राई किया था लेकिन मुझे पसंद आया ये वाला नेक भी, और साथ में ये वाला सूट सा ऐसे ये वाला, और नीचे इसका इस तरीके का डिज़ाइन है ये। इसके साथ स्टोल भी सेम कलर का है और इसका प्लाजो बनाया मैंने, और प्लाजो है सिंपल प्लेन वाला। तो ये सूट मुझे दिया है इधर वाली मम्मा ने, और जो मैंने दीदी के साथ लाया एक शर्ट मैंने ये वाली बनाई। इन शर्ट्स का तो बहुत ज़्यादा डर है, इसके साथ स्वेटर ना पहनो, इतनी मोटी जैसे ब्लैंकेट होता है ना वैसी होती है ये शर्ट, और ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे प्रिंट इस तरीके का ही, और इसकी बाजू में ऐसे डिज़ाइन बनवाया, ये बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन अभी पहना नहीं है ये वाला भी। उसके बाद दूसरा दिखाती हूँ, वो मैंने लिया है चेंज करा के रेड कलर का, पूरा रेड है वो, रेड कलर का स्टोल है उसके साथ, रेड कलर की उसकी सेम कलर की सलवार है, और वो शायद से कानी वर्क वाला जो सूट होता है वो है, वो आपको दिखाती हूँ अभी। और उसके बाद कल हमें जाना है मम्मा के घर में, तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है वहाँ जाने की, अब देखेंगे वहाँ कौन सा सूट पहन के जाएंगे। और फिलहाल जो है जिन्हों गए थे पहले लकड़ियाँ लाने के लिए, क्योंकि लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, बारिश का कोई पता नहीं है कब शुरू हो जाए। और कल एक और चीज़ है यार मैं भूल गई, कल जो मेरे से बड़ी वाली दीदी हैं मतलब शनाई की मम्मा जैसू की मम्मा, वो ले रहे हैं न्यू कार, तो कल हम जाएंगे उनकी कार लेने के लिए, तो काफ़ी खुशी होती है फाइनली उनके घर में भी कार होगी, हम सबके पास अपनी अपनी गाड़ी होगी तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस कल हम मैं और भाई भी जाएंगे, दीदी जो बड़ी वाली दीदी वो जम्मू में है वो नहीं जाएंगे, और जीनू जाएंगे, तो फिर करेंगे वहाँ पे मस्ती, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे, फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर सोच रही मम्मा के घर जाऊँ, आप लोगों को त्रिचोली की रेसिपी शेयर करती, हम लोग तो बनाएंगे नहीं, मैं लेके आऊँगी लेकिन मैं मम्मा से ही लेके आऊँगी, मम्मा तो हमें देते ही हैं, तो बस उनसे लेके आना था। उन्होंने कॉल भी की थी, अभी मैंने किसी को कॉल नहीं किया, किसी को विश नहीं किया, अभी मैं उनको कॉल करूँगी, और सारे बोलते उससे लेट ही कॉल करती, और टाइम हो चुका है 2 बज चुके हैं और मैं इतनी लेट हूँ सुबह से, यार इतना काम था ना, इतने कपड़े थे, इतने सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, सिर्फ 3 कपड़े 2 इतने सारे हो, सर्दियों में तो मतलब ट्रिपल कपड़े पहनते हैं, तो फिर ठंड इतनी ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं, फिर उनको वॉश भी करना पड़ता है, हम एक बार लगा के फिर वॉश कर देते हैं, तो बस वो सारे कपड़े धुल के अभी फ्री हुई हूँ, हाथ इतने ज़्यादा ठंडे, पानी इतना ज़्यादा ठंडा है, हाथ बिल्कुल ना सब सुन्न हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और नेल पेंट नेल्स पे आ रहा था गुस्सा काट दिए, और नेल पेंट जो है इसको चेंज करके पिंक लगाऊंगी इसके साथ मैचिंग वाला। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को ना लोहड़ी विश करना भूल गई, अपनी बातों में बातें डालती थी और मैं भूल गई थी आपको विश करना, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू, जो जो भी लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं उन सबके लिए। और फिलहाल हम धूप में बैठे थे, धूप में कपड़े वगैरह भी रखे हैं उनको, फिर उल्टा पुलटा के रखना पड़ता है ताकि जल्दी जल्दी सूख जाएँ, वैसे सूख ही जाते हैं लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा कभी कभी ये होता है कि गीले रह जाते हैं। तो फिलहाल जो है साथ में आपको सूट नहीं दिखाया था तो वो भी दिखा देते हैं, तो ये मैंने लिया है यूट्यूब फोन से, ये है रेड कलर का, इतना प्यारा है ये रेड कलर, इधर से है भाई ये इसका नेक है इस तरीके का, पूरा ये भरा हुआ शर्ट ही पूरा, और इसके साथ है ये वाला स्टोल, इसके बॉर्डर्स पे ना इस तरीके से डिजाइन है, अच्छा कलर है यार रेड के जो बढ़िया लगता है, अच्छा लग रहा है। तो ये है रेड कलर का, और इसके साथ सलवार प्लेन है, ये है सलवार, ये सेम कलर की है लेकिन है प्लेन, तो ये है मेरा सूट, और मैं सोच रही हूँ इसको ना बर्थडे के ऊपर पहनूँ, कटिंग वटिंग कराएंगे थोड़ी सी, बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं, थोड़ा सा
लुक चेंज करने के लिए मैं कटिंग करवाती हूँ और कुछ नहीं है, तो बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और साथ में मैंने मंगवाया कलर आर्ट मुझे करना था। सुबह इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा फॉग होती है ना, और धूप भी आजकल 11-12 इस तरीके से चढ़ती है, उस हेयर वॉश करने का बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि इतनी ठंडी होती है। तो फिर क्या मतलब, अगर सुबह हेयर वॉश कर लोगे ना फिर इतनी ज़्यादा ठंड लगेगी, इसलिए सुबह सुबह नहीं करती मैं। और उसके बाद नहाना धोना हो जाता है, फिर मन नहीं करता धोने का, लेकिन कल मुझे बालों में कलर करना है तो वो करेंगे। फिर जाएंगे दी की गाड़ी लेने के लिए, फिर उसके बाद जाएंगे मम्मा के घर खिचड़ी खाने। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में।